और लॉकेट है, कुल मिला के 3 लाख का। सोसाइटी मैं देवेंद्र सिंह लड्डू इस वक्त मैं खाजे कला थाना, जी हाँ मैं उसी खाजे कला थाना का बात कर रहा हूँ कि आज से ठीक स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त के दिन सोनार टोली में एक घर में चोरी होती है। चोरी कहिए, डकैती कहिए, उस चोरी में शातिर चोरों ने अच्छा खासा आभूषण की चोरी करती है, कुछ रकम चोरी कर चंपत हो जाते हैं, टप्पू चक्कर हो जाते हैं। मामले को अनुसंधान में खाजकला थाना दल बल के साथ घटनास्थल पर जाते हैं और काफ़ी अनुसंधान करने के बाद उन मुजरिमों तक पहुंचने में सफलता मिलती है। जब देखा जाता है, जब उनकी गिरफ्तारी होती है, तो वो शातिर आभूषण दुकानदार से अपना गहना को बेच देता है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। क्या है पूरा मामला, हम सीधे चलते हैं खाजकला थानाध्यक्ष राहुल ठाकुर जी, वो क्या कर रहे हैं, क्या आभूषण का मामला रहा था? 15 अगस्त की रात्रि में सोनार टोली में प्रकाश जी के मकान में गृहभेदन की घटना घटी थी। सोने के जेवरात, चांदी के जेवरात और कुछ पैसे की चोरी हुई थी। हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी अनुसंधान और मैनुअली इस पर आगे बढ़े, तो उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और जिन्होंने चोरी की घटना की थी उसके निशानदेही पर एक ज्वेलरी के दुकान से चोरी गए जेवरात की भी बरामदगी हुई है। और एक चोर है गोरखा, जो पहले भी पूर्व में भी जेल जा चुका है चोरी की घटना में, उसके पास से चोरी गए पैसे की भी बरामदगी हुई है। टोटल कितने का हो उसमें? सोने की चेन है, झुमका है, टॉप्स है और लॉकेट है, कुल मिला के 3 लाख के आसपास के जेवरात हैं। जी, जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा था उनके यहाँ से बरामदगी हुई है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। सब कहाँ के हैं? वो रवि राशि ज्वेलर्स सोनार टोली ये सदर गली में है, उन्हीं का है, उनकी सुरेंद्र कुमार की, उनके यहाँ से बरामदगी हुआ है चोरी के जेवरात, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। टोटल कितनी गिरफ्तारी हुई? टोटल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है और दुकानदार जो खुद आभूषण की खरीदारी किए उनकी भी गिरफ्तारी होती है। इस पूरे मामले में को लेकर काफ़ी अनुसंधान किया गया था, तकनीकी सहारे और फुटेज के सहारे उन चोरों तक, उन शातिरों तक पहुँचने में मदद मिली है। और जब देखा जाता है तो वैसे पटना में या फिर पटना सिटी में अपराध का ग्राफ धीरे धीरे अब बढ़ते जा रही है, ऐसे में रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। SSITV आप देखते रहिए। जय हिंद।